दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने आरोप पत्र तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। रविवार को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आरोप पत्र समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने की। बैठक में आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, अधूरे वादों, टूटी सड़कों, बिजली पानी की समस्याओं और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आप इन अहम मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। इसके अलावा शराब नीति और दिल्ली सरकार के कुछ मंत्रियों के जेल जाने से भी आपको बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने तय किया है कि वह इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी का आरोप है कि आप विधायकों ने पिछले चुनाव में किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इन वादों को उजागर करते हुए बीजेपी जनता को यह समझाने की कोशिश करेगी कि आप सरकार ने केवल प्रचार किया पर काम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीम।